हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और बोर्ड परीक्षाएं घोषित हो गई है, मई के अंदर 6 मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी और मई के अंदर ही वो ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए तैयारी आपकी ठीक ठाक शुरू हो जानी चाहिए। अब काफ़ी दिन हो गए, खूब मस्ती की है और जो बोर्ड ने अब नया सिलेबस घोषित किया है उसके अकॉर्डिंग मॉडल पेपर इशू हो गए हैं, आपको पता ही है। तो ये गणित का मॉडल पेपर मैंने खोल रखा है और इसमें जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आएगा उसके बारे में पूरी जानकारी अपने को दी गई है, तो देख लेते हैं उसको और किस तरह से पैटर्न है वो देखेंगे और साथ में इसका सेक्शन ए जो है उसको हम सोल्व भी करेंगे। सिंपल सब ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद में देखो प्रश्नों की संख्या, खंड ए इसमें पार्ट एक में 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद में 2 से 11 तक 10 क्वेश्चन और हैं, टोटल आपके पास में 20 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक एक अंक का है। फिर भाग ब जो है, खंड ब इसमें 8 क्वेश्चन है 16 अंक के। खंड से इसके अंदर आप देख रहे हैं कि खंड से जो है इसमें 4 क्वेश्चन हैं 4-4 अंक के। खंड द जो है इसमें 2 क्वेश्चन है 5-5 अंक के। और खंड यानी ई जो है इसमें 3 क्वेश्चन है 6-6 अंक के, यानी कुल 18। और इस तरह से आपका जो पूर्णांक है 80 अंक का वो हो जाएगा। अब हमारे सामने है खंड ए और प्रतिदिन हम एक खंड कंप्लीट कर लेंगे और इस हिसाब से ये पेपर जो है इसको पूरा करेंगे अपन। और डेली आपको एक वीडियो मिलेगा 15 से 20 मिनट का मैथ का, उसके इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और ये क्रम अपना परीक्षा तक चलता रहेगा। और ये अगर आप कंटिन्यू करते हैं, इसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं तो 80 से 90 के बीच में कम से कम आपका स्कोर आराम से कैरी कर जाएगा। तो आज अपन ये जो क्वेश्चंस हैं खंड ए के वो कर लेते हैं पहले। चलिए पहला क्वेश्चन अपना है 17 का वर्ग क्या है। तो इसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना है अपने को और आंसर अपना तैयार है फिर। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 289, ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद में जो बहुपद है 4x+2 में x = 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। तो fx अपने को दिया हुआ है 4x+2, इसमें x = 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2+2 यानी कि 10। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। पेपर का लेवल इस बार सामान्य रखा जाएगा, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि क्लासें डिस्टर्ब रही हैं। उसके बाद में इसके शून्यकों का योग, द सम ऑफ जीरोज अपने को बताना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो अपन यूँ कर सकते हैं कि इसके शून्यक ज्ञात कर लिए जाएं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। माइनस के 2x को मैंने लिख लिया, माइनस के 4x और उसके बाद में प्लस 2x और माइनस के 8। और ये हो गए आपके x-4 + 2x-4 और x + 2x-4। तो शून्यक एक तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x = -2, एक यहाँ से मिल जाएगा x = 4। तो शून्यकों का योग यानी कि सम पूछा है तो माइनस 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। दूसरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आप इसको = 0 ले लें। तो शून्यकों का योग यानी मूलों का योग α + β = -b/a। b होता है ये गुणांक आपका, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो --2/1 तो वापस आपका 2 ही आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं अपन।
उसके बाद में साइन पाई बटे छः का मतलब आपको साइन 30 डिग्री का मान देना है, और ये अपन 1/2 दे देंगे। क्वेश्चन सिंपल है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण अपने को पता करना है। तो खंबे की परछाई, ये मान लीजिए खंबा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया धरती की सतह, यहाँ पे आपका सूर्य मान लीजिए, और ये सूर्य जो है इसके कारण ये खंबे की परछाई बन रही है, और परछाई जो है वो उसी ऊंचाई की है जिस ऊंचाई का खंबा है, ये उन्नयन कोण हो गया थीटा। उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, ये कह रहा है कि खंबे की जो परछाई है खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो यहाँ से टेन थीटा काम में लेंगे हम, थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, और ये आधार दोनों सेम है एक, तो थीटा हमारा हो गया 45 डिग्री कह सकते हैं, या पाई बटे चार, तो डिग्री में दे रखा है 45 डिग्री। उसके बाद में बिंदु 5-2 की एक्स एक्स से दूरी, तो पहले ये चतुर्थांश बना लिए मैंने, 5 और -2 आपका कहाँ पे आएगा, 5 और -2 आपका चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा, ये लगभग ये पोजीशन बन गई आपकी 5 और -2 की एक्स एक्स से दूरी, ये एक्स एक्स से इसकी दूरी हो जाएगी। अब एक्स एक्स से दूरी किसके बराबर होगी, एक्स एक्स से दूरी जो है इसके वाई निर्देशांक, यानी ये जो लंबाई है ये -2 है, मापांक जब इसका हम लेंगे, क्योंकि दूरी पूछी है, दूरी हमेशा धनात्मक लेनी होती है, तो ये हो जाएगा 2। और वैसे आप ध्यान रखें एक्स एक्स से जो दूरी है वो वाई निर्देशांक का मापांक होता है, यानी प्लस ही लेना है आपको भले ही माइनस हो, और वाई एक्स से जो दूरी है वो एक्स एक्स का मापांक होता है। अगर इसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी पूछ लेते तो हम 5 देंगे, एक्स एक्स से दूरी पूछी है तो 2 देंगे। इसके बाद में आकृति आपको दी गई है डी ई और बी सी, डी ई और बी सी ये परस्पर समांतर हैं, ए डी 4 है ये 4 दिया हुआ है, बी डी 6 दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है, ए ई 5 दिया हुआ है, आपको ई सी ज्ञात करनी है। तो ये थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित है, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है थेल्स थ्योरम पे आधारित है। तो थेल्स थ्योरम कहती है कि समांतर रेखाएं होती हैं त्रिभुज में, तो जिन भुजाओं को ये प्रच्छेदित करती हैं उनमें समान अनुपात होगा, तो ए डी और डी बी का जो अनुपात है वही अनुपात ए ई और ई सी का होगा। ये आपको दिया हुआ है 4/6, ये आपको दिया हुआ है 5/AC, तो यहाँ से AC हमें मिल जाएगी 30/4 वज्रगुणा के माध्यम से, और ये हो गया 7.5। अच्छा क्वेश्चन है, थेल्स प्रमेय सत्यापित करने के लिए भी पूछ ली जाती है। उसके बाद में 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, तो 3 संरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0 होती है, क्योंकि यह असंभव है, कोई भी वृत्त अधिकतम 2 बिंदुओं से गुजर सकता है, और एक बिंदु से गुजर सकता है वो बिंदु उसका स्पर्शी बिंदु होगा। उसके बाद में गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेमी, डी त्रिज्या का दुगना 6 सेमी, तो त्रिज्या हो गई आपकी 3 सेमी। गोले का आयतन पूछा है, वी आयतन का सूत्र,
4/3 पाई आर क्यूब पाई 3 की क्यूब हो गई 27, छत्तीस पाई। बंटन का माध्यक पूछा है, तो माध्यक में हम आरोही या अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करेंगे। 1, 2, 3, 5, 9 विषम है तो मध्यपद, मध्यपद हो गया आपका 3, माध्यिका हो जाएगी या माध्यक हो जाएगा 3। तो ये 10 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन आपको 10 में से 10 अंक आराम से दे सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अगले जो 10 क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, और प्रतिदिन अपने इसी तरह से 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। थैंक यू।